सीधा रुख करते रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आज ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में छाए रहने वाली है? बात करें साई मंत्रिमंडल की, तो उसमें बड़े बदलाव की बातें सामने आई। बृजमोहन अग्रवाल जो कि रायपुर दक्षिण से विजयी हुए हैं, वो मंत्री उनको बनाया जा सकता है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें जो बीजेपी के जितने विधायक और सांसद हैं और जिला अध्यक्ष जो मंडल अध्यक्ष हैं, वो तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, 10 लोकसभा में 10 सीटें बीजेपी के पक्ष में रही हैं। तो ऐसे में जो यहाँ के सांसद हैं जिन्हें राजनीति का लंबा अनुभव रहा है, उनके बारे में ये कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ी जगह मिल सकती है, जिसमें सबसे पहले क्रम में नाम बृजमोहन अग्रवाल का चल रहा है। चूंकि जो 8 बार के विधायक रह चुके हैं और 9वीं बार भी उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव लड़ा था उसमें 3 लाख से ज्यादा मतों से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को जो है पछाड़ कर 3 लाख वोटों से विजय हासिल हुए, तो ऐसे में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ी जगह मिल सकती है। चूंकि भाजपा का प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा रहा है और वर्तमान में भाजपा की सरकार भी है यहाँ। वहीं 2 नाम और चर्चा में है, जिसमें विजय बघेल हैं जो दूसरी बार सांसद बने हैं और दुर्ग लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, और वो भी बीजेपी के जो कदावर नेता माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें तीसरा नाम संतोष पांडे का चल रहा है जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा में सबसे हॉट सीट रही, राजनांदगांव लोकसभा सीट जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उन्होंने हरा कर चुनाव जीता है। तो ये तीनों नाम पर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है कि ये तीनों में से कोई एक नाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब शाम 7:15 में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और वहीं 30 सांसद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो जो पूरी चीज है वो शाम तक क्लियर हो पाएगी किन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। एक बड़ी जो है आज पूरा देश का नजर जो है प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में होने वाला है। चूंकि तीसरी बार टीडीपी और एनडीए जो एनडीए गठबंधन है वो उसके समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे हैं, तो ऐसे में अब बिहार से सबसे ज्यादा मंत्री होने की कयास भी लगाया जा रहा है। नीतीश सरकार जो है उनका गठबंधन और टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू है उनका जो है उनके समर्थन में सरकार बनने जा रही है, तो उनके जो सांसद है उनको मंत्रिमंडल में विशेष जगह मिलने की भावना भी जताई जा रही है। जी जी प्रियांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।